नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल होता है, कहां कहां प्रयोग होता है, पर्टिकुलर थिंग पर्सन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बॉय हु इज इन व्हाइट शर्ट, जो लड़का व्हाइट शर्ट में है, इज माय सन, वह मेरा बेटा है। पर्टिकुलर टी हुई है यहाँ पर। The book you gave me, जो पुस्तक तुमने मुझे दी, is not good, वह अच्छी नहीं है। तो यहां भी पर्टिकुलरिटी बुक की बताई गई है। पॉइंट नंबर दो, with the names of rivers, with the name of group of islands, आइलैंड्स के साथ, होली बुक्स, रिलीजियंस, माउंटेन रेंजेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, गॉप्स, स्पोर्ट्स कार्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के साथ द का प्रयोग होता है। नेम्स ऑफ ट्रेन्स, ships, names of buses, names of bus stop, names of railway station, इन सब के साथ दया का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गीता होली बुक है, द हिंदू रिलीजियन है, द हिमालयाज माउंटेन रेंजेस है, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, द इंडिया टुडे मैगजीन है, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट है, डेजर्ट के साथ भी द का प्रयोग होता है, एटसेट्रा, इन सब के साथ द का प्रयोग होता है। एक उस वर्ड के साथ द का प्रयोग करते हैं जो एक सेंटेंस में, किसी स्टोरी में एक से ज्यादा बार आता है, तो दोबारा आने पर उसके साथ द का प्रयोग होता है। विद द रिपीटेड वर्ड और नाउन, फॉर एग्जांपल, I saw a dog in market, the dog was very beautiful, the market was very busy। तो आप देखिएगा, यहाँ पर मार्केट पहली बार यूज हुआ, कोई आर्टिकल नहीं, यहाँ दोबारा यूज हुआ, द का प्रयोग हुआ, डॉग पहली बार यूज हुआ, एक का प्रयोग, दोबारा यूज हुआ, द का प्रयोग, तो दोबारा आने पर किसी भी वर्ड के साथ द का प्रयोग होता है। विद द वर्ड विच एक्सप्रेसेस होल क्लास और कम्युनिटी, जो शब्द पूरे वर्ग या संप्रदाय को व्यक्त करता है, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मदर लव्स हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, मतलब सभी माएं अपने बच्चे से प्रेम करती हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है, मतलब सभी कुत्ते वफादार होते हैं। तो जो वर्ड
पूरे क्लास को व्यक्त करता है, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी कंपैरेटिव, और तीसरी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। ही इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, गुड बेटर बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हुई, बेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, इन सब के साथ द का प्रयोग होता है। विद द कंपैरेटिव इन डबल सेंस, जब एक सेंटेंस में दो कंपेरेटिव डिग्री प्रयोग होती है तो उनके साथ द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर इट इज, तो यहां देखिएगा कूलर कंपेरेटिव डिग्री है, द का प्रयोग, हायर कंपेरेटिव डिग्री है, तो डबल सेंस में कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो द का प्रयोग होता है। विद द ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल नंबर बोल सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द नेक्स्ट, द एटसेट्रा। विद द यूनिक, यूनिक नाउन के साथ द का प्रयोग होता है। यूनिक नाउन्स, द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन, ये आपके यूनिक नाउन बोले जाते हैं। विद द डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के साथ द का प्रयोग होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। डियर स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर प्लेस के साथ द का प्रयोग होता है जहां हम कभी कभी जाते हैं, जहां हम रेगुलरली नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, विद द पर्टिकुलर प्लेस, यस्टरडे आई वेंट टू हॉस्पिटल, कल मैं हॉस्पिटल गया, तो मेरे लिए हॉस्पिटल पर्टिकुलर है। ये कहा जाए डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल सामान्य है, यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मेरे लिए यहां दय का प्रयोग हुआ। विद द पर्टिकुलर फूड, विशेष भोजन के साथ दय का प्रयोग करते हैं। वैसे किसी भी फूड के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब वो पर्टिकुलर बताया गया हो, उस उसमें विशेषता जोड़ी गई हो, जैसे द डिनर यू गिव was very tasty, delicious. जो डिनर आपने मुझे दिया वो बड़ा टेस्टी था। वैसे would you have dinner? यहां पर डिनर के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, यहां पर दे का प्रयोग हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।